बगलामुखी माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालु मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश जाते हैं, लेकिन बहुत कम श्रद्धालुओं को ये मालूम होगा कि जम्मू में भी माता बगलामुखी का एक मंदिर है और ये मंदिर रिहाड़ी में स्थित है। मंदिर में आपको हम लेके आए हैं और यहाँ पर माता बगलामुखी के दर्शन आपको करवाएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कब से माता बगलामुखी यहाँ पर विराजमान है। आप माँ बगलामुखी के दर्शन कीजिए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ये मंदिर रिहाड़ी में स्थित है और इस समय ये माता बगलामुखी की मूर्ति हम आपको दिखा रहे हैं। माता बगलामुखी यहाँ पर विराजमान है और भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादा श्रद्धालुओं को इस बात की जानकारी नहीं है कि यहाँ पर भी वो माँ बगलामुखी के दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि जो श्रद्धालु हैं, काफ़ी श्रद्धालु जो हैं उनकी आस्था माँ बगलामुखी के साथ जुड़ी हुई है और माँ बगलामुखी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु अक्सर हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अब माँ बगलामुखी के दर्शन हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी माता रानी की एक सुंदर मूर्ति स्थापित की गई है और ये मंदिर रिहाड़ी में स्थित है। आप भी यहाँ पर आ सकते हैं और माता रानी के दर्शन यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर के पंडित जी इस समय हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और माँ बगलामुखी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पंडित जी, आपसे जानना चाहूँगी, माँ बगलामुखी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को दूर दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब जम्मू में भी माँ बगलामुखी का एक मंदिर है, क्या कहना चाहेंगे, कब से ये मंदिर यहाँ पर है, कब से यहाँ पर माता रानी की स्थापना की गई? मेरा नाम पंडित सतपाल शर्मा है, मैं 20 साल से इधर रह रहा हूँ। तो ये 2010 दो अप्रैल को स्थापना हुई थी इसकी, माँ बगलामुखी की। तो इनका खास दिन होता है वीरवार, वीरवार को पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, पीली माला, पीला जो भी है, सारा पीला प्रसाद, वस्त्र भी माता को पिछले पीले, माता रानी को पीला ज़्यादा प्रिय, पीला ज़्यादा है, हाँ इनको पीला ज़्यादा है। जो भी है, जैसे हम बाकी माताओं को, देवियों को, जो जो अपना अपना भोग प्रसाद होता है, तो इनको पीला ही लगता है, पीले वस्त्र चढ़ते हैं इनको। तो खास दिन होता है इनका वीरवार को। प्रसाद में क्या चढ़ाया जाता है? वो कोई भी चढ़ा सकते हो, पीले लड्डू चढ़ाओ, पीली बर्फी चढ़ाओ, पीला कोई हलवा बना के चढ़ा सकते हैं, पीले चावल चढ़ा सकते हैं, पीला कुछ भी यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। अच्छा, कितने श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना जाना रहता है, कितनी आस्था श्रद्धालुओं की यहाँ? देखो, ये 2010 से मंदिर यहाँ पे बना था, इतना लोगों को पता नहीं है, थोड़े बहुत आते हैं, ज़्यादा नहीं है। आपसे ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सा माँ बगलामुखी के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि माँ बगलामुखी की क्या मान्यता है? इनकी मान्यता ये है कि ऐसे सुना है, हमने भी किताबों में पढ़ा है कि सतयुग में जब माँ भगवान जी पृथ्वी उल्ट पुलट हो रही थी, तो भगवान विष्णु ने इनको एक हरिद्रा तट पर, तालाब आता है वहाँ पे, उन्होंने तपस्या करके तो माता को प्रकट किया था, माँ बगलामुखी को। तब से उन्होंने अपने शत्रुओं का नाश किया था। तो ये कोई भी केस कोर्ट कचहरी का हो या कोई भी मसला हो, माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है और इनकी पूजा से वो सफल हो जाते हैं। यानी कि शत्रुओं के नाश के लिए माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना? हाँ, शत्रुओं के नाश के लिए, कि अपनी रक्षा के लिए करे कोई, तब भी होता है। हमारे अंदर जो बीमारियाँ लग जाती हैं, हम बीमार होते हैं, कोई एगड़ी बीमारी है, ये बीमारी है, कोई किसी को कुछ होता है, वो अपने लिए कोई करे, वो भी बीमारी भी शत्रु ही है ना, तो उसके लिए भी कोई करेगा तो उसका भी मतलब माँ बगलामुखी की सहायता से मतलब ठीक हो जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे कोई अगर किसी को प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो या कोई भी किसी भी समस्या में फंसा हुआ हो कोई, तो यहाँ पे आके माथा टेके अपनी मनोकामना रखे, तो माँ भगवती का आशीर्वाद रहेगा उनके ऊपर। माँ बगलामुखी के दर्शन हमने आपको करवाए और पंडित जी से भी बात की, जिन्होंने माँ बगलामुखी की महिमा के बारे में आप सबको बताया। और अगर अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि आपने माँ बगलामुखी के दर्शन करने हैं और आपको दर्शन करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, आप जम्मू में भी माँ बगलामुखी के दर्शन कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता दूँ कि ये मंदिर रिहाड़ी में स्थित है, आप यहाँ पर आकर माँ बगलामुखी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।